अच्छा नाम मंत्री पद किसी का संपत्ति नहीं, राजनीति किसी का प्रसन्न कुर्सी नहीं, राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा प्रॉपर्टी नहीं। सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आ रहे इस विभाग को अच्छे से चला। राजनीति किसी की बपौती संपत्ति नहीं होती है और ना ही किसी पद की कुर्सी जो होती है वो किसी की बपौती संपत्ति होती है। किसी मंत्री पद का कुर्सी किसी का बपौती संपत्ति नहीं होता है। जिस तरीके से जमीन किसी की बपौती संपत्ति होती है, राजनीति उस तरीके से नहीं होती है। मेरी शुभकामनाएं उस व्यक्ति के साथ है जो इस पद पर बैठेगा। ये बानी है भाजपा के मंत्री रामसूरत राय की। रामसूरत राय भूमि सुधार मंत्री हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं और इन दिनों नीतीश कुमार से काफ़ी नाराज चल रहे हैं। नाराजगी का कारण है कि ट्रांसफर पोस्टिंग उनके मन से नहीं हो रहा है, इसीलिए रामसूरत राय बेहद नाराज हैं। नाराजगी इतनी अधिक है कि अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं और मूड भी बना चुके हैं, यहाँ तक कि अगले उस पद पर कौन आने वाला है, अगला कौन आने वाला है, उसको उन्होंने शुभकामनाएं भी दे दी है। कारण ये भी हो सकता है कि रामसूरत राय ने शीर्ष नेतृत्व से बात किया होगा लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई होगी, तो रामसूरत राय ने सोचा होगा कि अपनी इज्जत अपने हाथ, इस्तीफा दे देते हैं। पहले रामसूरत राय की इस बयान को सुनिए किस तरीके से वो कह रहे हैं कि राजनीतिक किसी की बपौती संपत्ति नहीं होती है, कोई पद किसी की बपौती संपत्ति नहीं होती है, ये जनता देती है, हमें चुनकर भेजती है और हम इस पद पर बैठते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रामसूरत राय। वैसे हमारे एनडीए के तमाम लगभग 70 से 75 विधायकों का बात अनुशंसा था, जिसमें विचार करके योग जो होने लायक मुझको जो समझ में आया मैंने किया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए की बैठक में पूर्व आज से 10 महीना पहले लोगों ने समस्या उठाया था कि हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, बीडीओ सीईओ हम लोगों को नहीं मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इशारा भी हम लोगों को किया था कि विधायक के कहने पर ये उनकी जहाँ तक जेनून बातें हैं समझ लेना है, सुन लेना है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि नहीं विधायक का अनुशंसा गलत है तो वो गलत ट्रांसफर है, अगर सही है तो सही ट्रांसफर है। तो समीक्षा की बात है, उन्होंने रोका है, समीक्षा के उपरांत सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। विभाग है, विभाग में परेशानी होते रहता है, लोगों का एक साथ सबका मन पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि विभाग में भूमाफिया हावी है। भूमाफिया को मैंने कमर तोड़ने का काम किया है, वो परेशान हो रहे हैं, तो वैसे लोग भी गलत तरीके से अपना सिंडिकेट बना के अपनी बात को कहीं ना कहीं रखवाते हैं, तो वो सारी बातें सामने आ जाएगी। मंत्री पद किसी का बहुती संपत्ति नहीं है, किसी का वंशावली के आधार पर अधिकार नहीं मिलता है, जैसे जमीन होता ना वंशावली के आधार पर जमीन मिलता है। तो राजनीति किसी का प्रसन्न कुर्सी नहीं है, राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा प्रॉपर्टी नहीं है। ये लोकतंत्र का सरकार है, इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आ रहे इस विभाग को अच्छे से चलाएं। तो सुना आपने किस तरीके से रामसूरत राय ने कहा है कि राजनीति किसी की बपौती संपत्ति नहीं होती है। रामसूरत राय नाराज है और रामसूरत राय की ही बात क्यों कर ले, भाजपा के बहुत ऐसे विधायक और मंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार से नाराज है। लिस्ट बहुत लंबी है, भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ही नाराज रहते हैं नीतीश कुमार से, तो मंत्री और विधायक की बात ही क्या करें। विधायकों में भी नाराजगी रहती है, मंत्री लोगों में भी नाराजगी रहती है। नाराजगी इस बात की कि वो अपनी मनमानी नहीं कर पाते हैं। अगर बात करें तो रामसूरत राय ट्रांसफर पोस्टिंग कराना चाहते थे और उनकी मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रहा था। बीते दिनों एक खबर आई थी कि एक कर्मचारी की ट्रांसफर पोस्टिंग कराना था, रामसूरत राय ने हामी भर दिया लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ना कर दिया, उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग रुक गया। रामसूरत राय इसी बात से नाराज है और अब अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। नाराजगी इतनी अधिक है कि कुछ भी सुन नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, बस मेरी शुभकामनाएं उस व्यक्ति के साथ है जो इस पद पर आकर बैठेगा, इस विभाग को अच्छे से चलाएगा जिस तरीके से मैंने चलाया है, इस विभाग को मैंने अपना समझकर चलाया है और जो लोग इस पर आएंगे वो भी अपना समझकर चलाएंगे। यानी रामसूरत राय अब मूड बना चुके हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा दे देना है, विधायक ही अच्छे हैं, बेइज्जती से अच्छा है कि विधायक बन के रहेंगे, मंत्री रहेंगे तो ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, विधायक रहेंगे तो कम बेइज्जती होगी, इज्जत बचा रहेगा। रामसूरत राय लगातार नीतीश कुमार से नाराज चल रहे थे और इस बार नाराजगी बढ़ गई है,
मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। और आपको बता दें कि ये घटना तब हो रही है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बहुत जल्द बिहार दौरे पर आएंगे। भाजपा के सभी नेताओं के साथ एक बैठक होगी और फिर बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा क्या होता है। लेकिन रामसूरत राय को कैसे भाजपा मनाएगी ये भी देखने वाली बात है। लेकिन भाजपा के तरफ से अभी बयान आ गया है कि रामसूरत राय नाराज नहीं है, टेक्निकल एक फॉल्ट आया है, बहुत जल्दी इसे सुधार लिया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।